बात करते हैं Amazon FBA की कि हम Amazon पे अपना पहला प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करेंगे और Amazon वेयरहाउस को हम चीज़ें कैसे सेंड करेंगे। पहला प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट होना चाहिए, ऑलराइट। और प्रोडक्ट हमें कहाँ से मिलेगा, लोकल मार्केट से या अलीबाबा से, ठीक है। तो जैसे ही हम एक प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं, मेक श्योर कि अमेजोन पे करोड़ों मिलियंस प्रोडक्ट है और लोग ऑलरेडी उसे सेल कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी तक अमेजोन में नहीं है तो वो भी तुम ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा प्रोडक्ट है और वो तुम अमेजोन पे सेल करना चाहते हो और सेलर्स भी सेल करना चाहते हो, तुम भी उन सेलर्स में शामिल हो सकते हो। सो सबसे पहले जब तुम अपने सेलर सेंट्रल में लॉग इन हो जाओ, इस स्टेप पे आ जाओगे इन्वेंटरी पे, ऐड प्रोडक्ट। जब तुम ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तुम इस विंडो पे आ जाओगे, फाइंड योर प्रोडक्ट इन अमेज़न्स कैटलॉग। ऑलराइट, अगर तुम्हें यहाँ पे मुश्किलात आ रहा है तो तुम सेलर सेंट्रल ऐप को इंस्टॉल करके कैमरा से उस प्रोडक्ट को स्कैन कर सकते हो, वो बहुत ही ईजी है। लेट्स है कि अगर तुम्हारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो अमेज़न पे सेल नहीं होता, तुम इस टैब पे क्लिक करोगे। लेकिन अब लेट्स है कि मुझे की चेन सेल करना है, ठीक है, मैं की चेन सेल करूंगा। सबसे पहले मैं उस की चेन को यहाँ फाइंड करूंगा। अब यहाँ पे लाखों की चेन है, ये तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए फाइंड करना। मैं क्या करूंगा, उस की चेन को मैं अपने फोन के कैमरे से स्कैन करूंगा, मैं अपने फोन से एडिंग करूंगा, उस प्रोडक्ट को मैं ऐड कर दूंगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अंदाजा हो कि तुम कैसे सेल करोगे। लेट्स से मुझे इस की चेन को सेल करना है, ठीक है। अगर मैं इस की चेन को सेल करूंगा, मैं करूंगा क्या, यहाँ पे कंडीशन को सेलेक्ट करके न्यू सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करूं, मैं इस टैब पर आ जाऊंगा, मैं इस विंडो पे आ जाऊंगा। यहाँ पे मैं सेलर्स क्यू जो है, यहाँ पे ये चेंज नहीं हो सकता, ओके। तो तुम कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ पर मैं अपना प्राइस, वो कितने का सेल कर रहा है, 899 का, चलो मैं 850 का करता हूँ, मैं इसकी प्राइस को बीट करता हूँ, ठीक है। तो मेरा लोअर प्राइस आ जाएगा, तो इससे कस्टमर भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। कंडीशन नया है, ऑलराइट। तो फुलफिलमेंट चैनल में आई विल शिप दिस आइटम मायसेल्फ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सरदर्दी है और इसमें कामयाबी नहीं मिलती। तुम सेकंड ऑप्शन को क्लिक करोगे, Amazon will ship and provide customer service fulfillment by Amazon। तुम यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे Amazon तुमसे पूछ रहा है कि तुम कौन से दिनों में स्टैंडर्ड US जो है इनकी शिपिंग है, तुमसे 499, 328 या 1021, ये अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर के लिए शिपिंग कॉस्ट है, ठीक है। तो मैं ये सेलेक्ट करूंगा 123 ताकि मेरा माल जल्दी वहां पर पहुंचे। एडवांस व्यू को मैं ऑन कर दूंगा। जैसे ही मैं एडवांस व्यू को ऑन करूं, ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस ये हुआ, सेलिंग प्राइस भी मैं वो रख दूंगा, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि तुम कब से इसे स्टार्ट करना चाहते हो। लेट्स से मैं कोई भी डेट ले लेता हूँ, एंड सेल डेट, तुम कब ख़त्म करना चाहते हो। मैं ख़त्म नहीं करना चाहता, बट मैं ऐसे ही कुछ डाल देता हूँ लेट्स से। अब कंडीशन नोट भी डाल सकते हो, ऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी एक है, हैंडलिंग टाइम, ठीक है, ये भी तुम चूज कर सकते हो। अगर तुमने चूज नहीं करना, गिफ्ट रैप जो है अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है, हाँ, नहीं है, नो कर दो, ऑलराइट। अब यहाँ पे मैं 7 फिनिश कर दूंगा। जैसे ही मैं 7 फिनिश करूं, यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि मैन्युफैक्चरर का बारकोड है या अमेज़न का है, तो मैं अमेज़न का यूज कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं क्लिक करूं, 7 कंटिन्यू कर दूंगा।
अब यह मुझसे पूछ रहा है कि इसमें कोई डेंजरस गुड इन्फॉर्मेशन है, मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर कोई बैटरी है? नो, क्योंकि की चेन है। अब मुझसे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, इज दिस प्रोडक्ट कंसिडर अ डेंजरस गुड, या कोई खतरनाक चीज़ है? नो, की चेन है, क्या खतरनाक होगा। सबमिट करो, ठीक है, कंटिन्यू। जैसे ही तुम 7 कंटिन्यू करो, तुम यहाँ पर आ जाओगे। अब इसमें बहुत ही ध्यान देना है इस जगह पे। अब तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हारा जो पैकिंग है इंडिविजुअल प्रोडक्ट है या कैश पैकिंग है। अब लेट से तुम की चेन सेल कर रहे हो, और ये की चेन जो है, और ये की चेन जो है एक एक सेल होता है। अगर तुमने कैश पे क्लिक किया, तो जैसे ही अगर कोई कस्टमर ऑर्डर सबमिट कर देगा, अमेजोन वाले वो पूरा बॉक्स ही उनको सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे तुमने मेक श्योर करना है कि तुम इंडिविजुअल प्रोडक्ट, अगर लेट से तुम आईफोन फोन सेल करते हो, यहाँ पे अगर चीज एक एक सेल होता है तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे। लेट से अगर तुम्हारे पास ऐसी चीजें हैं जो बॉक्स पे सेल होती है, तुम कैश पे करोगे, लेकिन यहाँ पे मैं इंडिविजुअल कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मेक श्योर करना है, कंटिन्यू, शिपिंग प्लान पे कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे कर दू, ठीक है, अब तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हारे पास कितनी की चेन है, ठीक है, तुम्हारे पास कितनी की चेन है। तो लेट से मैं डाल देता हूँ, मेरे पास 100 है, कंटिन्यू, ठीक है, मैं यहाँ पे कर दूँ अप्लाई टू ऑल अमेज़न। अभी कह रहा है कि कोई प्रेप की जरूरत है, प्रेप की जरूरत है नहीं। अगर तुम्हें प्रेप की जरूरत है, हाँ, अगर तुम्हें प्रेप रिक्वायर्ड है, यहाँ पे तुम करो नो। अगर प्रेप रिक्वायर्ड नहीं है, अगर किचन में तो कोई प्रेप रिक्वायर्ड नहीं, वो तो ऑलरेडी पैक होता है, राइट। सो यहाँ पर तुम ये कर दो। अब मेन जो पेज आता है, अब हमें हर एक प्रोडक्ट को लेबल करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रिंट लेबल फॉर दिस पेज। जैसे ही हम क्लिक करें, यहाँ पे ये हमारे लिए डाउनलोड में आ गया है, तो हमारे पास प्रिंटर होना चाहिए। तो जैसे ही ये लोड हो जाए, और मेक श्योर कि तुम्हारे पास बारकोड पेज भी होना चाहिए, तो तुम ये बारकोड्स को प्रिंट करके हर एक की चेन पे अलग अलग लगा दोगे। जैसे ही तुम की चेन पे ये लगा लो, ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। ये बाद में भी तुम कर सकते हो, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, जैसे ही तुम कंटिन्यू पे क्लिक करो, अमेजन तुम्हें ये फुलफिलमेंट सेंटर देगा कि तुम इस चीज को, इस फुलफिलमेंट सेंटर को सेंड करोगे, अप्रूव कर दोगे। जैसे ही तुम अप्रूव करो, अब बात आती है लास्ट स्टेप की। ये लास्ट स्टेप है, वर्क ऑन शिपमेंट करोगे। जैसे ही तुम वर्क ऑन शिपमेंट करो, ये देखो, रिव्यू एंड मॉडिफाई यूनिट्स कर दोगे। तुम यहां से स्क्यूज को डाउनलोड भी कर सकते हो। अब तुमसे पूछ रहा है कि अपना शिपिंग कैरियर सेलेक्ट करो, तो एयर करना है, ग्राउंड करना है, तो मैं एयर कर दूंगा, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स कर दोगे कि चीजें एक बॉक्स में है या दो बॉक्स में है, तो मेरे पास 100 की चेन है, आई थिंक वन बॉक्स में आ जाएंगे, एवरीथिंग इन वन बॉक्स। जैसे ही मैं क्लिक करूं, ठीक है, अब मुझसे बॉक्स का साइज मांगेगा कि बॉक्स का साइज क्या है। मेक श्योर तुम्हारे पास मिरर टेप होना चाहिए, और मेक श्योर तुम्हारे पास स्केल होना चाहिए। तुम उस बॉक्स को स्केल करोगे, लेट्स से कितने पाउंड का है, मैं कहूंगा 10 पाउंड का है, ठीक है, बॉक्स कितना बड़ा है, ठीक है, मैं बॉक्स को स्केल करके, मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, मैं बॉक्स को स्केल करके कि ये इतना बॉक्स है। यहाँ पर जब मैं कंफर्म कर दूँ, ठीक है, तो अब मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा पेपर तुम्हें प्रिंट करना है, थर्मल प्रिंटिंग है या प्लेन पेपर है। मैं प्लेन पेपर कर दूंगा,
ठीक है, अब यहाँ मुझसे शिपिंग डेट मांग रहा है। जैसे ही मैं शिपिंग डेट कर दूँ, जैसे ही मैं शिपिंग डेट कर दूँ, मैं कंप्लीट शिपमेंट में कर दूंगा और मुझे वो लेबल, जैसे ही मैं कंप्लीट शिपिंग कर दूंगा यहाँ पे, मुझे ये लेबल जो है, मुझे ये लेबल शो करेंगे शिपिंग के लिए। उस लेबल को मैं अपने बॉक्स पे लगा के, ठीक है, लेट्स से मुझे इसको 28 को शिप करना है, प्रिंट बॉक्स लेबल पे कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इस लेबल को प्रिंट करूँ, ये लेबल देखो, इस लेबल को मैं प्रिंट करके, इस लेबल को मैं सीधा बॉक्स को लगा के मैं सीधा अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर पे मैं सेंड कर दूंगा। लेकिन मुझे अभी नहीं करना क्योंकि आई हैव टू पे विद देम, बट मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, डिलीट शिपमेंट, हो गया, दैट्स इट। यही यही सही तरीका है एंड यही आसान, और इसमें इतना बड़ा लंबा चक्कर नहीं। जैसे ही तुम वो बॉक्स उनको पहुंच जाएगा, वो अमेजोन में चीजें लाइव चली जाएंगी और तुम्हें अर्निंग शुरू होगी। अब लेट्स से कि माल तुम चाइना से सेंड कर रहे हो, अब तुम क्या करोगे? रिमेम्बर, मैंने तुम्हें वो चीज, वो अगर चाइना से माल जा रहा है, तुम इस बारकोड को अपने सप्लायर को ईमेल कर दोगे और वो जो बॉक्स, अभी जो मैंने आपको बॉक्स लेबल दिखाया ना, उस बॉक्स लेबल को तुम प्रिंट करके अपने सप्लायर को दे दोगे और अपने सप्लायर से कहोगे कि इस हर एक प्रोडक्ट पे ये लगा लो। और अगर तुम्हारे सप्लायर ने तुम्हें ऑलरेडी यूपीसी कोड दिया है, देन यू डोंट नीड दिस। अगर यूपीसी कोड नहीं, तो अपने सप्लायर को ये दे के और बॉक्स लेबल दे के अपने सप्लायर से कहो कि उसे बॉक्स पे लगा के सीधा अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर सेंड कर दो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उस चीजों को अपने घर पे बुला मंगवाने के लिए। सो यही प्रीटी सिंपल चीज रहा और इतना लंबा चक्कर नहीं है। उम्मीद है कि अल्लाह आप सब लोगों को कामयाब करे और मेक श्योर के अपने काम को जो है जल्द से जल्द लॉन्च करो। ये सेम तरीका तुम दुबई पाकिस्तान से बैठ के तुम कनाडा को भी सेंड कर सकते हो माल, तुम मेक्सिको को भी सेंड कर सकते हो, तुम ऑस्ट्रेलिया को भी सेंड कर सकते हो, इंडिया को भी सेंड कर सकते हो, एक ही अमेजोन FBA है। सो आई होप कि तुम लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी है, 10 मिनट का काम भी नहीं है और तुम्हारा पूरी लाइफ जो है सेट हो जाती है। मेक श्योर के वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड गुड लक।